हेलो दोस्तों गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब वीकेंड कैसा गुजरा आपका इस वक्त बिल्कुल 16,150 पे है और हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए हैं कल रात को चूंकि वीक का स्टार्ट हुआ है तो मैं स्टार्ट आज वीकली के साथ करता हूं और रोज़ाना की तरह हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस अगर जो नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं हम रोज़ाना इसी वक्त करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और आपको बताते हैं मार्केट का किस तरफ होगा इसके बाद हम एक दो घंटे के बाद रात को लेट लाइव स्ट्रीम करते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं और हम आपको पूरे क्रिप्टो की न्यूज़ पे एनालिसिस करके ऑन चेन डाटा एनालिसिस करके और डिफरेंट चीज़ों पर हमारी गपशप होती है वीडियोस तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन करें लाइव स्ट्रीम को तो मैं स्टार्ट लेता हूं आज की वीडियो का ठीक है अच्छा सबसे पहले मैं आज वीकली से स्टार्ट ले रहा हूं उसकी एक रीजन ये कि वीक खत्म हुआ है ये हमारा फेबनाची फैन लगा हुआ है अगर आप देखें तो पिछले तीन वीक से हमें यहीं से सपोर्ट मिली है एंड अगर आप देखें तो, तो हम इस यहाँ से जब नीचे आए तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती रही और दो वीक पहले जब हमने क्रैश देखा जिसको आप एफ टी एक्स क्रैश कह सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ से सपोर्ट मिल रही है एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो लेट्स से इन वर्स्ट के स्नैरियो हम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द वर्स्ट के स्नैरियो ये टेन थाउजेंड जहाँ के हमारा रेड बॉटम भी है डेली में जो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ यहाँ पे <coughs> लेट मी शो यू द रेड बॉटम ठीक है ना तो ये हमारा ऑरेंज बॉटम और रेड बॉटम लगा हुआ है जि, जिस हिसाब से हम इस वक्त मार्केट को जो हमने मार्केट को एनालाइज करके बनाया है तो मैं इसको जरा बंद करता हूँ। अच्छा दूसरी तरफ चलते हैं हमारा दूसरा वीकली चार्ट है उसको भी देख लेते हैं ठीक है दूसरा ये हमारा ये वीकली चार्ट है जिसमें हम अपनी कह लें जो हमारा पैटर्न है बुलिश पैटर्न है उसको हमने टच किया और उसके बाद ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ भी आपको पता होगा कि हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है जोरू इस जगह को अपना बॉटम रखा हुआ है जो तो बेसिकली हमारा रेड बॉक्स है समवेयर uh, के बीच में है कि यहाँ कहीं एंड में हम आएंगे और उसके बाद ही हमको ऊपर की तरफ जा सकते हैं ठीक है तो ये तो होगी हमारी वीकली पे थोड़ी सी बात तो चलते हैं सबसे पहले फोर आवर पे चलते हैं ठीक है एक तो हमारे पास यहाँ पे फबनाशी का वो लगा हुआ है क्या ऐसे कहते हैं पिच फोर्क लगा हुआ है कल हम जब यहाँ से नीचे की तरफ आए यहाँ से हमें सपोर्ट मिली और उसके बाद से हम राइज कर रहे हैं बट एनी हाउ हमारा जो मेन चार्ट है हम उस पे आते हैं आपको याद होगा कि मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि यहाँ तो हमें इस जगह से स्विंग फिलवर पैटर्न बनाना है इधर हमें यहाँ से स्विंग फेलर पैटर्न बनाना है और अगर आप देखें तो हम यहाँ से नीचे की तरफ आए और उसके बाद जब हम ऊपर गए यहाँ से हमें रिजेक्शन मिले उसकी मेन वन ऑफ द रीज़न ये थी कि एक तो ये लिक्विडिटी ग्रैप था ये स्विंग फेलर पैटर्न सक्सेसफुल नहीं था स्विंग फेलर पैटर्न होता तो यही कैंडल तकरीबन यहाँ तक आती और हम फिर ऊपर की तरफ निकल जाते

बारह नीचे ही अपना ट्राईंगल तो आ, ट्राइंगल का नाइसली प्ले हुआ और आपको मैंने जैसे कि बताया भी था कि जो अः ट्राइंगल है हमारी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ से एक सेकेंड है एक तो इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा दूसरा सेकेंड गाइज इसको हम बनाते हैं ओके अच्छा जी ये देखें ये हमारा तकरीबन बनता है टारगेट जिसको कहते हैं जब हमने टारगेट लेना होता है ना ट्रायंगल का कि मार्केट कहां तक जाएगी तो यहाँ तो इसको ऊपर रख के जहां से ये करे लिया जाता है या तो नीचे लिया जाता है तो अगर आप देखें तो हमने जहां से ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट हमने सिमिलर ही अपनी जगह को टच किया ठीक है तो एक्चुअली तो ये मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली exactly जैसे कि ये स्मेट्रिक ट्राइंगल थी वैसे ही

स्विंग फेलर ना होने की वजह से प्रॉपर स्विंग फेलर पैटर्न ना होने की वजह से फेलर हुआ ऊपर गए रेजिस्टेंस मिली और दोबारा हम नीचे की तरफ आए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहां से थोड़ा सा ऊपर निकल के दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं उसके बारे में लॉन्ग और शॉर्ट जोन के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ बात करता हूँ उससे पहले थोड़ा सा दूसरी चीज़ें देख लें तो ये आप देखें मार्केट में एक्सट्रीम फियर है ट्वेंटी वन है हमारी वेबसाइट है यहाँ पे आपको एक तो सोशल मीडिया हमारा उसके एक ओरिजिनल लिंक्स मिलेंगे फेक बहुत हैं हमारे उनसे बच करिए दूसरा ये पार्टनर एक्सचेंज है यहाँ से डिस्काउंट मिलेगी और इस वक्त क्रिप्टो क्वांट और स्पेशली हे ब्लॉक जहाँ से हम चेक करते हैं हम हमारा लिक्विडेशन लेवल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सिक्सटी डिस्काउंट आ रही है अभी आई डी बना लेकिन पेमेंट अभी नहीं कीजिएगा ट्वेंटी को मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे आ रही है बहुत ही अच्छी थैंक्स गिविंग के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल आ, स्टार्ट हो रही है वैसे तो 24 को स्टार्ट हो जाएगी बट 24 25 तक दो तीन दिन रहेगी तो आपको उसमें भी अपडेट रखें बाकी ये हमारी वेबसाइट में दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है खैर चलते हैं वॉल्यूम की तरफ वॉल्यूम देखें आज सिक्स बिलियन है कल फाइव था परसों था था जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो अगर आप यहां से देखें पिछले पांच छह दिन से हम कोई खास वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं यहां हमने एक अच्छा वॉल्यूम देखा था 15 बिलियन का और फिर ये 11 बिलियन का व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आज की uh, आज uh, पॉसिबिलिटी uh, है कि लेटर थोड़ा सा वॉल्यूम आए और हम नीचे की तरफ जाके और उसके बाद ऊपर नि निकलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम सस्टेन भी कर सकते हैं और कल तक यहाँ रह के भी नीचे जा सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे मार्केट uh, थोड़ा सा और लोगों को बेरिश करेगी ताकि लोग और शॉर्ट्स में एंटर हों और ताकि उनको ट्रैप करके हम ऊपर की तरफ जा सकें खैर चलते हैं हम लिक्विडिटी uh, लेवल्स की तरफ लिक्विडिटी लेवल देखें वट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ तक हम आ सकते हैं और ये हमारा बन जाता है तकरीबन 14,900। दूसरी सूरत में मार्केट सिर्फ अगर स्विंग फिलर पैटर्न लेना चाहती तो सिर्फ ये वो जोन है जिसको मार्केट कवर करेगी जो 15,000 600 700 बन जाता है और यहाँ पे अगर मैं अपना देखूं कि हमारा स्विंग फिलर पैटर्न कहाँ पे बनता है एग्जैक्टली पंद्रह हजार आठ सौ से नीचे हमें जाना है तो यहाँ पे देखिए पंद्रह हजार सौ हाँ बिल्कुल सही तो यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ से हमें हम लिक्विडिटी uh, उठाएंगे अगर मैं आपको बताता चलू यहाँ पे है हमारे पास वन बिलियन फिर है एट मिलियन सेवन मिलियन एट मिलियन और 500 मिलियन तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और ये हमारा आज का दूसरा टारगेट होगा दूसरा टारगेट हमारा बनेगा तकरीबन 14900 पे और 14900 पे अगर हम आए तो डेफिनेटली प्रीवियस लोस है हम नीचे तक आएंगे और अपना स्विंग पुलर पैटर्न पकड़ के ऊपर की तरफ जाने निकल जाएंगे ठीक है 14900 15000 तक आके

छ सौ सत्तर पे। तो, पे तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं आती है ना तो मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी और जब मार्केट वहां तक आएगी पंद्रह हजार छह सौ तो डेफिनेटली ये यह देखें यहाँ का स्विंग फिलवर पैटर्न हमारा बन जाएगा ठीक है मार्केट यहाँ तक आएगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगी इसी इसी ग्रीन जोन में कहीं से भी घूम के एंड स्पेशली अब अगर मैं आपको ये फोर आवर में दोबारा दिखाता चलू तो ये है हमारा वो स्विंग फिलर पैटर्न जिसको मार्केट थोड़ा सा ऐसे बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी दिस इज वाट आई एम एक्सपेक्टिंग नीचे आने की सूरत में अच्छा हम थोड़ा सा ऑर्डर बुक में देख लें कि हमारे पास ऑर्डर कहां पे लगे हुए हैं अगर आप देखें तो हमारे पास बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं पंद्रह हजार पे तो मैं बेसिकली पंद्रह हजार को ही टारगेट

ठीक है और पंद्रह हजार पाँच सौ तक के अगर हमारे पास ऑर्डर लगे तो हम इसका भी स्विंग फिलर कर लेंगे क्योंकि मार्केट उतने नीचे ऑर्डर ले आती है ऊपर की तरफ मैं थोड़े ऑर्डर देखना अगर चाहूँ तो हमारे पास पहले बहुत ऊपर ऑर्डर थे आई डोंट नो के वो अभी भी हैं जी हाँ हमारे पास इस वक्त अभी भी उन्नीस पे उन्नीस पे अठारह पे और अठारह पे तकरीबन चार हजार के ये ऑर्डर लगे हुए हैं डेफिनेटली मार्केट के लिए अट्रैक्टिव है और उसके अलावा उन्नीस पे भी ये पांच तकरीबन पांच के ये आट लगे और फिर 20000 पे नाइसली अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी जरूर भागेगी 20000 तक 19900 19000 से 20000 तक के जोन में जरूर जाएगी लेकिन एज uh, यूजुअल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने से पहले एक और डिप लेगी जो कि जो मैंने अभी आपको दो पैट, दो सिनेरियो बताए हैं जैसे यहाँ से और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलेंगे तो आपने आप देखें इस वक्त लिक्विडिटी के हिसाब से अगर आप देखें इस वक्त लिक्विडेशन लेवल के हिसाब से और अगर आप देखें ऑर्डर बुक के हिसाब से तीनों हिसाब से हमारे पास नीचे की तरफ ये लेवल बनते हैं दूसरा अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज दिखाता चलूँ पेवेट पॉइंट आप हमारा पेवेट पॉइंट को जरा देखिए इस वक्त यहाँ पे बल्कि टू आवर में चलते हैं टू आवर में जाके बात करते हैं ठीक है ये हमारा फेवर पॉइंट है अच्छा लेट से मार्केट नीचे की तरफ आती ही नहीं है ठीक है ये मार्केट uh, नीचे की तरफ नहीं आती तो उस इन दैट स्नैरियो आप uh, अगर पॉजिटिव होना चाहते हैं तो आपको इस पेवर पॉइंट के ऊपर आना है और उसके बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं कि यस हम इस वक्त ऊपर की तरफ निकलेंगे नीचे की तरफ आने की बजाय नाउ बट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ पर अगर जाएगी और वॉल्यूम हमारा बिल्कुल लो होगा तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट और स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ आएगी और यहाँ से ऊपर की तरफ लेगी तो आप इसको एज ए स्कैल्पिंग क्या उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि मार्केट यहां से आए और uh, इस जोन से जो मैंने आपको ग्रीन जोन बताया वहां से होती हुई ऊपर की तरफ निकल जाए एंड डेफिनेटली मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट्स के साथ ही मूवमेंट करती है दूसरी सूरत में मार्केट में वॉल्यूम अच्छा आता और मार्केट ऊपर आके यहां से रिटेस्ट लेती है देन यस वी कैन गो अप अब यहां से अगर यहां से यहां का तक का सफर है ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा आपने देखना है कि वॉल्यूम आपको क्या दिखा रहा है अगर मैं आपको थोड़ा सा हम इंडिकेटर को भी देख लेते हैं थोड़ा कि इंडिकेटर हमें क्या कहता है क्लस्टर इंडिकेटर से क्लस्टर इंडिकेटर इस वक्त तकरीबन पॉजिटिव हुआ हुआ है और बहुत सारे सिनेरियो में जो ये डबल बॉटम भी बना के ऊपर की तरफ निकलता है और अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम चले जाते हैं यहां से यहां तक डेफिनेटली ये पूरा मिड में चला जाएगा और फिर रिटर्न ले सकता है तो क्लस्टर इंडिकेटर इस वक्त टू आवर में और वन आवर में मैं देख लेता हूँ वन आवर में ये कुछ ऐसा है, ये तकरीबन मिड में आ गया तो कुछ ऐसा सिनेरियो शो नहीं कर रहा है कि हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ले सकें अच्छा में तो की एक और चीज चेक करते चले आपको पता है कि ये हमारा पहला चैनल है जिसपे हमें यहाँ से पहले रिजेक्शन मिली फिर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली मिड में हमें सपोर्ट मिली थी और उसके बाद हमें दोबारा यहाँ से रिजेक्शन मिली और हम साइड पे चलते हुए इसको ब्रेक किया सपोर्ट मिली और अब हम में है ठीक है तो हमारा जो पेवर्ट है वो भी तकरीबन यहीं पे ही बनता होगा दोबारा उसको लगा के नहीं आएंगे अगर हम डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं आ, बेस्ट स्नैरियो ये यह हो यहाँ से यहाँ आए और मैं यहाँ से शॉर्ट लगाऊ नीचे आए मैं यहाँ से लॉन्ग लगाऊ और फिर मैं ऊपर की तरफ का स्नैरियो देखू और इधर डायरेक्टली मैं यहाँ से आने का वेट करूँ और फिर ऊपर जाने का के लिए लॉन्ग में एंट्री दूं दिस इज द बेस्ट सिनेरियो इस वक्त जो आप देख सकते हैं ठीक है उसके अलावा आप एक और चीज पे नजर रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे है इस वक्त सीएमई गैप ठीक है ये सीएमई गैप है डेफिनेटली मार्केट ने ये सीएमई गैप फिल करने के लिए जाना है और अगर मार्केट पहले ही सीएमई गैप फिल करने चली जाती है ठीक है और उसके बाद यहां से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी और वो दोबारा नीचे की तरफ आएगी मार्केट जो के हैवी नीचे जा सकते हैं इन दैट सिनेरियो ठीक है uh... आज भी ऊपर की तरफ जाए कल भी ऊपर की तरफ जाते जाते हम सी एम इन केस फिल कर लें अदरवाइज वही बेस्ट है हम यहाँ तक अगर जाते भी हैं तो ऐसे ऊपर जाए और इधर हम बिल्कुल ऐसे ही ऊपर जाएं दोनों सूरतों में हमें ऐसे ऊपर जाना चाहिए ठीक है तो सीएमई गैप को नजर में रखिएगा सीएमई गैप इस वक्त हमें फिल करना है बट व्हाट आई विल एक्सपेक्ट के हम uh, सीएम गैप को फिल करने की बजाय फिलहाल सबसे पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे ठीक है आ, दूसरा अगर हम अपना सी को देख लेते हैं सी पी आर सॉरी मूविंग एवरेज निकल आई सी इंडिकेटर को देख लेते हैं टू आवर में जाते हैं अच्छा ये हमारा जो इंडिकेटर आप देखें हम ए, इन इन दो के बीच में हैं इस रिजेक्शन और, है, है, तो और हम आएंगे नीचे की तरफ ठीक है तो मेनली हमारे पास चूंकि हमारे पास जो मेन स्नरी होना चाहिए मैक्सिमम हमें यहाँ से नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ जाके उसको नाइसली फिल करके इस के ऊपर आके बैठना चाहिए तो बेसिकली आपको मेरी बात का शॉर्ट पॉइंट का और लॉन्ग पॉइंट श्योर आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या स्नैरियो बताना चाह रहा हूँ ठीक है दोबारा दोबारा इस, इसको क्लोजिंग करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ दोबारा के पेपर को भी मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको स्नैरियो का बिल्कुल ईजिली पता चल जाए ठीक है ये देखें ये यह है यहाँ से हमें नीचे की तरफ आ जाना चाहिए ऊपर जाने की सूरत में आ, सिर्फ सीएमई गैप को फिल करके हम दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं ठीक है आ, हमारे लिए बेस्ट लॉन्ग स्नैर इसी जगह पे है कि हम इसका स्विंग फेलर पैटर्न बनाएं से हम स्विंग 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 पैटर्न पैटर्न नहीं बनाते तो आप लास्ट का swing failure, previous low का swing pattern देखें और लॉन्ग में एंट्री दे सकते हैं बहरहाल हम इस वक्त लॉन्ग जोन में यहाँ पे शॉर्ट लगाने का बिल्कुल नहीं सोचिएगा अनलेस हम यहाँ लो वॉल्यूम के साथ यहाँ तक जाते हैं और आप कहते हैं मैंने स्केल्पिंग करनी है नीचे की तरफ स्के और ट्रेड में आपको पता है दूसरी ट्रेड में फर्क होता है और सिर्फ स्केल्पिंग में आप शॉर्ट इंटर हो सकते हैं अगर हम स्लोली यहाँ पे जाकर रिजेक्शन लेते हैं और नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं ठीक है uh, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे डबल एम को भी देख लें तो मेरा जब हंड्रेड एम ए हमें लगेंगे तो हम उसको देखेंगे फोर आवर में आपको एक और चीज uh, दिखाता चलता हूँ ये दोनों बंद कर देता हूँ एक्सटेंशन जाने से पहले दिखाता दिखा देता हूँ uh, like अच्छा मुझे जरा यहाँ से फिबोनाची एक्सटेंशन में लगा के देखता हूँ इसको मैं लूंगा इधर और फिर इसको मैं लूंगा इधर यार इसको लगाते हैं यहाँ अच्छा इस वक्त अगर आप देखें एक्सटेंशन के हिसाब से देखें इस वक्त हम गोल्डन पॉकेट के बीच में ही फंसे हुए हैं डेफिनेटली uh, इसको ब्रेक करके हम 0.786 को uh, टच कर सकते हैं यहां तक आ सकते हैं उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकते हैं मोस्ट लाइकली 0.786 का लेवल हो सकता है जहां से हमें एक अच्छी पुश मिल जाए और ऊपर की तरफ हम निकल जाएंगे बट समहाउ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम गोल्डन पॉकेट में एक्सटेंशन की गोल्डन पॉकेट में फंसे हुए हैं जिसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ बल्कि अगर आपको एक और चीज़ दिखाता चलू हमारे मेरे यहाँ पे इस वक्त छुपे हुए थे मैं दोबारा निकाल लेता हूँ अच्छा ये हमारे हैं डेली लेवल वगैरह अच्छा डेली डेली और वीकली लेवल यहाँ पे मुझे दोबारा पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं अच्छा सही है ये हमारा डेली लेवल है ये हमारा वीकली लेवल है ठीक है तो अच्छा ये हमारा डेली वीकली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है सोलह पे इसके ऊपर आने की सूरत में आप सवर कर सकते हैं फोर आवर अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है ना कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे सोलह हजार तीन सौ तीस एक बहुत स्ट्रॉग लेवल होगा इसको क्रॉस करने के बाद आप कह सकते हैं हाँ जी, अब नीचे नहीं आते, अब हमें एक अच्छी जगह पे हम आके बैठ गए का रख सकते हैं दूसरे डेली में जो सोलह बनता है तो ये आपका यहाँ तक का बन जाएगा उसके फर्स्ट टारगेट मैं कह रहा हूँ उसके बाद हमारा जोन होता है और अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टारगेट ये जोन होगा तो लेवल टू तो लेवल ट्रेडिंग कीजिए बाकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे वहां पे बात करते हैं इसको यहीं पे आज की वीडियो को खत्म करते हैं आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया लाइक करना नहीं भूलिएगा आई होप आपने लाइक का बटन दबाया होगा टेक केयर ब्रदर्स एंड हैव अ गुड डे बाय बाय